वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। लर्न विद स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये है एनटीपीसी का मैथ प्रैक्टिस सीरीज। जो लोग एनटीपीसी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैं आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें से आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 22 तक ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है और टोटल 300 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3। तो जो लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार एसआई या जो लोग एसएससी सीजल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीपीओ की, तो उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वो कॉमन क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्पेशली ये सीरीज टारगेट कर रहा है आपको एनटीपीसी को, तो जो लोग एनटीपीसी की भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने 1 से 300 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने इसकी फोल्डर बना रखा हूँ 1000 क्वेश्चन सीरीज की, आप वहाँ से सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। और आज मैं आपको उसमें पूरा का पूरा जो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं 1 से 22 मैं ऐड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से 310 तक, क्योंकि 300 क्वेश्चन ऑलरेडी 1 से 300 तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो देर नहीं करते हम, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 301 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 16% पर एनम इज 320। कहा दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 2 ईयर का कितना दिया गया है, 320। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया वही 2 ईयर, एज वेल एज रेट दिया गया है 16% पर एनम, यानी एक साल का रेट कितना है 16% के हिसाब से लग रहा है। कहा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन सम, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो देखो दो तरह से इसको मैं करूंगा, एक तो होता है फॉर्मूला जो सभी लोगों को पता है कि दो मनी फॉर वैलिड किसके लिए होता है, 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए एसआई और सीआई में डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस होता है पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी क्या होता है, डिफरेंस, पी क्या होता है, प्रिंसिपल, आर क्या होता है, रेट। और तो आसानी से निकाल लें, डिफरेंस कितना दिया गया है 320, तो 320 प्रिंसिपल निकालना है इनटू रेट कितना दिया गया 16 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। चलिए 320 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, चार से मैं काट लूँ, 4 चौके 16 25, यानी कितना हो गया, दो बार लिख दूँ, 4/25 इंटू क्या, 4/25। देखो 4 × 4 कितना हो गया 16, 16 × 2 = 32, यानी 20 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया 25 × 25 × 20। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, प्रिंसिपल 25 × 2 = 50, 500 हो गया, 500 × 25 आपको 25 × 5 कितना होता है 125 00, यानी कितना है प्रिंसिपल आ गया आपका, प्रिंसिपल आ गया 12,500। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक तरीका था जिसपे आपने फॉर्मूला मेथड अप्लाई किया और आसानी से क्वेश्चन बन गया। अगर दूसरा मेथड, अगर आपको बॉक्स मेथड, अगर आपने मेरी 70 डेज मैथ कोर्स कॉन्सेप्चुअल वाली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हूँ बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में क्या है, आपको पता है रेट कितना है 16%, 16% का मतलब क्या हो गया 16/100, यानी मैं 4 से काटूं तो कितना हो गया 4/25। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल ये जो डिनोमिनेटर होता है 25, अगर टाइम अगर 2 ईयर के लिए है, टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर, तो उसका पावर वो टाइम कर देते हैं, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 625। अब हम बनाते हैं दो बॉक्स, क्योंकि 2 ईयर की बात किया गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर में 2 बॉक्स। तो पहले साल प्रिंसिपल पे रेट कितना लग रहा है 16% का मतलब 4/25, ये कितना हो गया 25 × 4 कितना हो गया 100, यहाँ भी क्या होगा 100। दूसरे साल इस पे भी क्या लगेगा 100 पे, इस पे लगेगा 16% यानी 4/25, तो 25 × 100 = 4/25 यानी कितना हो गया 25 × 4 = 100, यानी यहाँ पे क्या हो गया 16। अब देखिए दोनों चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, क्या ये जो होता है पूरा का पूरा ये जो है 2 साल का क्या है सी आई, और ये जो होता है ये क्या होता है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट एस आई। तो डिफरेंस कहाँ रहा, सिर्फ ये रहा 16, 16 यूनिट डिफरेंस रहा, और क्वेश्चन में कितनी इसकी दी गई है एक्चुअल में 320 रुपये डिफरेंस था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपये। प्रिंसिपल हमारा कितना है यूनिट 625, तो 625 यूनिट, 625 × 20 यानी कितना हो जाएगा 12,500 रुपया क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा मैच कर गया वही, तो दोनों मेथड से कर सकते हो, मेथड 2 रहा, बॉक्स मेथड से भी कर सकते हो और फॉर्मूला अप्रोच से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
302 क्या कहा गया है, फाइव नंबर हुज एवरेज इज 76 इफ फर्स्ट नंबर इज 3/7 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ अदर्स फोर फर्स्ट नंबर इज। देखो पांच नंबर है, मान लेता हूं कि ए बी सी डी और ई पांच नंबर है, कहा गया कि इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 76। तो बताओ एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, यही क्या होता है एवरेज। यानी यहां से मैं सम निकालूं तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू क्या, नंबर। तो चलो एवरेज निकाल लेता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये पांचों नंबर का सम कितना हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर। एवरेज है कितना 76 और कितने नंबर है पांच, तो पांच से मल्टीप्लाई, यानी एवरेज कितना हो गया, 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, 3 = 38। इतना क्या हो गया, इन सभी पांचों नंबर का सम। अब क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था, ए इज इक्वल टू, वो क्या है 3/7 टाइम्स ऑफ अदर, अदर क्या रह गए बी सी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहां से मैं बोलूं तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7a/3 मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा ना 7a/3। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 7a/3। चलो अब इसकी वैल्यू देखो, ए को ऐसे ही रहने दो, प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या आ गई आपको 7a/3 इज इक्वल टू किसके बराबर है 380। चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखो एलसीएम लूंगा तो 3a + 7a कितना हो गया 10a/3 इज इक्वल टू 380। तो 10 से 10 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो गई 38 × 3 कितना हो जाएगा 8 * 24। यूनिट डिजिट चार होना चाहिए, देखो यूनिट डिजिट इसमें एक है नहीं हो सकता, इसमें एक मिनट, देखो यूनिट डिजिट यहां पे 6 है नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन कैंसिल, यूनिट डिजिट 8 है नहीं हो सकता, हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर फिर भी मल्टीप्लाई करना है 3 × 3 = 9, 9 और 2 carry 11, यानी इतना। फर्स्ट नंबर हमें पूछा गया था, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, ए की वैल्यू आ गई कितने 114, तो आंसर हो जाएगा। तो ये एवरेज का सिंपल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, और देखिए दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एनटीपीसी के पेपर में पूछा जाता है और सीपीओ के पेपर में, स्पेशली यूपीएसआई और सीपीओ के पेपर में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो है, तो ये एनटीपीसी में पूछा हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल हर एक एग्जाम में, इवरी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 303, देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 3 एंड मेकिंग एन एंगल इतना देन विथ द पॉजिटिव एक्स एंगल। देखो ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है, एज वेल एज सीएचएसएल के पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन सीपीओ के प्री के पेपर में भी पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे दो एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट दिया गया क्या 2 - 3, मान लेता हूं ये क्या है x1 y1 पॉइंट है, और एक एंगल दिया गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मान लो ये कोऑर्डिनेट है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है निगेटिव दिया गया है, थीटा की वैल्यू क्या दी गई है -45 डिग्री, और आपको पता है कि एक्स एंगल के साथ जो बनता है वो क्या होता है स्लोप, स्लोप एम इज इक्वल टू -45 डिग्री, स्लोप क्या होता है टेन थीटा। अब ये तब आपको समझ में आएगा जब आप मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 70 डेज मैथ कोर्स कंप्लीट किए होंगे, तो वहां पे मैंने बताया था स्लोप क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है -45 डिग्री। और तो यहां पे एक मिनट देखो, यहां पे मैं समझाना चाहूंगा, यहां पे देखिए क्या मैं बोलना चाहता था, यहां पे एंगल जो दिया गया है ना ये क्या है स्लोप है, यहां पे देखिए ध्यान से एंगल जो है यहां पे स्लोप है, यानी देखो एम स्लोप है, स्लोप है, और स्लोप क्या होता है टेन थीटा, यानी टेन -45 डिग्री है, और टेन -45 डिग्री क्या होता है -10 = 45 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। आई होप यहां तक समझ में आ गया, हमें स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू क्या है -1, क्योंकि स्लोप m किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर, और एंगल m इज इक्वल टू क्या दिया था टेन -45 डिग्री, और टेन -थीटा क्या होता है -10 = 45, यानी क्या -1, यानी m की वैल्यू मिल गई स्लोप। अब हमारे पास अगर एक पॉइंट दिया हो, देखो आपने मैंने बताया हूं फॉर्मूला कि अगर x1 y1 एक पॉइंट है और उस लाइन का हमें स्लोप पता है m पता है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर आपने मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, वहां पे मैंने बताया था x - x1 = m * y - y1,
ये हमारा क्या होता है, उस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं। तो देखो एक्स तो ऐसे ही रहने दो, एक्स वन क्या है, एक्स वन यहां पे देखो टू, स्लोप कितना आया आपका, स्लोप एम, एम की वैल्यू क्या है माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस थ्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री। देखो यहां से एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, देखो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री। चलो मैं इसको इधर लेके जाता हूं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस थ्री प्लस टू, यानी क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 304। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के पेपर में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल के पेपर में पूछे जाते हैं, एज वेल एज सीपीओ के पेपर में भी समटाइम्स पूछ दिए जाते हैं। देखिए दिया क्या गया है, इतना इज इक्वल टू इतना दिया गया, हमारे पास दिया गया टू इंटू थ्री एक्स माइनस टू लेस देन सिक्स माइनस थ्री एक्स, एक ये दिया गया। दूसरा दिया गया यहाँ पे, दूसरा दिया गया कि सिक्स एक्स प्लस टू इंटू सिक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। तो हमसे पूछा गया कि एक्स कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, एक्स की क्या, एक्स की वैल्यू कौन से रेंज में सेटिस्फाइड करेगा, ये चार ऑप्शन दिए गए। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व कर लें। तो कितना हो गया सिक्स एक्स माइनस फोर लेस देन सिक्स माइनस थ्री एक्स, मैं इस 3x को इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा 9x लेस देन 6 प्लस 4 यानी 10, यानी x की वैल्यू लेस देन 10 बाई 9, यानी x की वैल्यू 10 बाई 9 से क्या होना चाहिए छोटा, यानी कि क्या 10 बाई 9 का मतलब क्या हो गया 1 point something से क्या होना चाहिए x की वैल्यू छोटा होनी चाहिए। चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 6x प्लस 12 माइनस 2x ग्रेटर देन 2x माइनस 2। देखो 6x माइनस 2x कितना हो गया 4x और इधर से 2x आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x लेस देन माइनस टू और ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस ट्वेल्व, यानी ये हो गया, यानी टू एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर्टीन, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस सेवन। आई होप ये आपको समझ में आ गया, यानी हमारे पास दो कंडीशन आ गया कि x की वैल्यू माइनस सेवन से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन x की वैल्यू 10 बाई 9 यानी 1 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। बताओ देखो माइनस एट माइनस सेवन से बड़ा होना चाहिए, माइनस 8 तो क्या है छोटा है माइनस सेवन से, पांच पांच देखो वन से छोटा होना चाहिए तो पांच तो होगा ही नहीं, आठ और बड़ा हो जाएगा वन से छोटा होनी चाहिए x की वैल्यू, माइनस फाइव देखो मैच कर रहा है माइनस सेवन से क्या है बड़ा है और वन से क्या है छोटा है, यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, डी इज द राइट आंसर। तो ये अच्छे क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है 36 माइनस 16 एक्स माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 और पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल मल्टीप्लाई 36x माइनस 4x और मल्टीप्लाई होता है ये क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखिए 16x और प्लस माइनस 4x माइनस 20x, इधर मैं इसको लेकर आके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 20x, 36 और 8 और इधर आएगा तो 8 माइनस 4 4, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, डायरेक्टली हमारा कौन सा आंसर मैच कर गया, B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 306। ये देखो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है लेकिन एक्चुअल में हम क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से बनाने वाले हैं। देखिए दिया क्या गया है, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 400 ऑन परचेज वन आइटम्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन परचेज फोर आइटम्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% रचिता बाई फाइव आइटम्स व्हाट इज द इफेक्टिव। देखो क्या कहा जा रहा कि अगर कोई मार्क प्राइस दिया गया था किसी भी चीजों का 400, अगर वो एक आइटम्स खरीदती है तो उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलता है 6% का, अगर वो चार आइटम्स खरीदती है तो उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है 24% का, अगर वो पांच आइटम्स खरीदे यानी टोटल का ये टोटल पांचों आइटम्स वो खरीद लेती है तो उसको इफेक्टिव डिस्काउंट कितना परसेंट मिलेगा। तो देखो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, ये इंटू इतना 1 × 6 प्लस 4 × 24 अपॉन क्या टोटल आइटम्स 4 + 1 यानी कितना हो गया 6 + 24 × 4 96 अपॉन 5 कितना आ गया
102/5 का मतलब क्या हो गया, 5 × 2 = 10, 0 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पॉइंट समथिंग ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। वेटेड एवरेज का हमने क्या लगाया कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 70 डेज मैथ कोर्स में। तो 20 पॉइंट समथिंग कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर करोगे भी तो 20.4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 307। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया है एज वेल एज सीपीओ के पेपर में भी पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में भी पूछे जाते हैं, और सीजीएल के प्री में समटाइम्स पूछ दिया जाता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कहा, इन ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ ऑपोजिट ऑफ टू द एंगल ऑफ मेजरमेंट 60 डिग्री इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द एंगल विच मेजर 90 डिग्री। देखो लो हम इस तरह से 90 डिग्री हमने क्या बना लिया, ये मान लो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, हमारे पास एक ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या कहा गया, ये है, तो ये वाला ए सी लेंथ निकालना है, ए सी क्या होगा, और मान लो अगर ये 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाला ये वाला दिया गया है, ये लेंथ कितना दिया गया था 6√3। अब बताओ अगर मैं इस एंगल के सामने वाला मानूं तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमें हाइपोटेनस। अब बताओ कौन सा रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में होता है, साइन, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया पी, पी कितना है 6√3 अपॉन एच होता है, एच, एच क्या है वही एसी है, एसी निकालना है। साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 6√3/AC, कैंसिल हो गया, यानी एसी की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला ये हाइपोटेनस हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 308। ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और सीएचएसएल के पेपर में पूछे जाते हैं, समटाइम्स सीपीओ के पेपर में भी पूछे जाते हैं। देखिए दिया गया हमारे पास कोट 210 डिग्री, आपको पता है कोट क्या लिख सकता हूं 180+30 डिग्री, और आपने पढ़ चुके होंगे, देखो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270, 180+थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा आपने, नहीं तो आप ऐसे फॉर्मूला याद कर लो 180+थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री, यानी कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 कितना होता है √3, तो √3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 309, अब देखो 309 क्वेश्चन क्या है, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए ध्यान से, हमारे पास दिया गया 199 कितना 49 है ना, 4 × 2 पे कितना जीरो है 4, और 1 2 3 4 और 6। इसको देखो आपको ये पता चल रहा है कि ये 200,000 से कितना कम है 6 कम है, और ये कितना 6 ज़्यादा है। मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 3 = 5 − 6 ×, ठीक है यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 = 5 + 6। अब देखो ये पता चल गया ये क्या है a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी, ये a माइनस बी a प्लस बी आ गया। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मेट है, तो हम इसके जगह पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर, यानी 2 पे कितना जीरो है 3 × 2 = 5, 1 2 3 4 5 इसका क्या हो गया स्क्वायर, माइनस बी, बी कितना है 6 का स्क्वायर। अब आप देखो 2 × 2 = 2 कितना होगा 4, कितना जीरो होगा 3 × 2 = 5 है, तो 10 जीरो 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, ये कितना होगा 36। अब जब भी मैं घटाऊंगा देखो ध्यान से, जब भी मैं घटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, यहाँ पे 10 में 4 और ये कितना हो गया 9 9 में से 3 गया 6, 64 लास्ट में आना चाहिए। देखो 64 ये 54 है नहीं हो सकता, 64 यहाँ भी है 64 यहाँ भी है, और बाकी टर्म्स क्या होगा, बाकी टर्म्स क्या होगा 9 9 9 9 9 और लास्ट में 3 होगा। देखो 3
बाकी टर्म्स 9 है और 6 4 है डेफिनेटली, और लास्ट ये 3 है। देखो यहाँ पे बीच में 7 आ गया, ये तो नहीं हो सकता, और यहाँ पे देखो 9 8 आ गया, बाकी सारे 9 होने चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ये देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया? ए मिसाइल ट्रेवल इतना किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन वन सेकेंड। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, एक सेकेंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगा? देखो ध्यान से, 1260 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बदलूं? अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में आता है। अब मैं आपको पता है 18 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 साते 126 होता है, यानी 70 हो गया, यानी क्या आ गया, 350 मीटर पर सेकेंड। 350 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होगा कि एक सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 350 मीटर। और क्वेश्चन यही पूछा गया था कि वो एक सेकेंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 350 मीटर। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली यार लाइक कर दिया करो, अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग मोर वीडियो इस पे आए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।